तो आज सबसे पहले हम डिस्कशन जो करेंगे वो कराची किंग्स पर ही करेंगे, क्योंकि बड़ा कंटेंट है हमारे पास उसके लिए, तो जमा करके रखा हुआ है। बाबर भाई, काशिफ सजाद हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले टाइम जाया किए बगैर हैदर अली छाए में कल से ट्रेंड बना हुआ है इनका ट्विटर पे। तो मतलब हैदर अली ने वो काम किया है जो दुश्मन करता है ना अपने दुश्मन के साथ, वो काम किया है कराची किंग्स। आपने बड़ी फेवर में उसकी बातें की हैं, मुझे याद है, ठीक है, लेकिन हैदर अली हाई पे यार। बाबर भाई मान ले, कौन सी ऐसी लीग है उसमें, कैरेबियन लीग में वो गया था खेलने, इसके अलावा बीपीएल में भी जा चुका है, बांग्लादेश में, कैरेबियन बीपीएल, इनमें कहीं भी कोई ऐसी खातिर खा कारदगी नहीं नजर आई ना कि कोई कोई मैच जितवाया हो। क्यों ऐसा होता है कि इसकी हाइप बन जाती है? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी खेला, नेशनल कप भी खेला, पता नहीं क्या क्या, किस बुनियाद पे इसको कराची किंग्स ने इतनी अच्छी कैटेगरी दे दी कि भाई हैदर अली ने जहाँ से क्रिकेट शुरू की थी ना, वो एक तरह से इमर्जिंग खिलाड़ी आए थे, और उस वक्त जो इनका टैलेंट था ना इमर्जिंग के हिसाब से, जैसे हम साई मयूब की तारीफ कर रहे हैं सिल्वर कैटेगरी में, इमर्जिंग में, उस वक्त जब ये उठे थे वो हाइप जबी की बनी हुई थी, यार इस लेवल के ऊपर ये इतना अच्छा एग्रेसिव और इतना अच्छा मिडिल करता है, लेकिन अपनी उस कारकर्दगी को ये वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं कर सके ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाइप तो बनी हुई है क्रिकेट के, इनके पास क्रिकेटिंग शॉट भी है, लेकिन मौके पे डिलीवर नहीं कर रहे मौके पे, और इतनी बेसिक क्रिकेटिंग मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं जब सामने एक विंस जैसा खिलाड़ी एग्रेशन में खेल रहा है, 14 रन पर ओवर बना रहा है, और आपने अपनी विकेट सेक्रीफाइस नहीं की और आपने उसको आउट करा दिया। हालांकि वो अगर ये फ्लो में रन भाग रहे होते तो पहुंच जाते, कोई भी रन आउट ना होता। इन्होंने इतना सेफ साइड जाके आधे पिच पे जाके उनको रोका जबकि विंस बहुत आगे आ चुका था, उसके लिए वापसी जाने का रास्ता ही नहीं था। उस वक्त बेसिक यही था कि ये अपनी विकेट छोड़ देते, उसको आने देते, लेकिन वो बेसिक क्रिकेटिंग मिस्टेक किया उन्होंने। और अगर विंस खड़ा रहता तो वो 18 ओवर में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है पूरा कर देता। काशिफ हैदर अली उससे बड़ी मिस्टेक हैदर अली ने ये की कि हो जाता है क्रिकेट में, आप मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक सेट प्लेयर को रन आउट करवा देते हैं, फिर आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको अपने 25 रन तो मिसाल के तौर पे बनाने होते हैं, जो उसके बाकी 25 रन रह गए वो भी जिम्मेदारी के तौर पे बनाने होते हैं, लेकिन उन्होंने एक काम ये किया कि चार बोले अपने जिम्मेदारी की खेली और चार बोले उनके जिम्मे की खेल के आउट हो गए, और जिस तरह वो आउट हो रहे हैं आउट भी खुश दिल की बॉल पे हो गए, बता जो खुश दिल के साथ इतनी क्रिकेट आपने खेली है, खुश दिल आपको पता है क्विक बॉल करता है भाई, आपकी जब तक टांग नहीं चलेगी, हमें लोग कह सकते हैं कि हम नॉन पीटी हैं, लेकिन हम ये बता दें यहीं पे कि हमने पीटी के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया एक दो दिन नॉन एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, ये बता दो भाई, भाई हम क्रिकेट के अलिफ पे भी नहीं पता, हम नॉन एक्सपर्ट्स हैं लेकिन हमें क्रिकेट खेलनी आती है, हम खुद खेलते हैं क्रिकेट, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हमने, जल टैंक्स भर दिए, और उन्हीं बेसिक्स की बुनियाद पर हम बता रहे हैं, जब तक बैट्समैन का पाँव नहीं चलेगा वो कभी भी अच्छा नहीं खेल पाएगा। कल देखें हैदर अली जगह पे खड़े खड़े कट मारने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि लेंथ क्या है, कहाँ जाना चाहिए, क्यों कट मारने जा रहे हैं बॉल पे। एक तेज बॉल करने वाला कभी भी अगर एक स्पिनर आम बॉल कर रहा है और वो तेज कर रहा है उसको कट मारने नहीं जाते, मतलब अब मैं अगर रिसीव होने के चांसेस होते हैं वही कट लग के विकेट में भी आ सकता है। अब मैं पूछूं कट मारने के लिए बेसिक क्या होता है कि आप अपना सारा वेट बैक लिफ्ट पे लेके जाते हैं, बैक फुट पे लेके जाते हैं और फिर जाके कट मारते हैं, वो खड़े खड़े कट मारते हैं, ये बेसिक है कट मारने के लिए, क्या अपना पूरा वेट लेके जाते हैं बैक फुट पर जाके कट मार। ये तो देखें क्या देख रहा है, प्लैटिनियम प्लेयर हूं भाई मैं, ये मीम्स थोड़े बहुत हमने कुछ दो तीन दिए हैं क्योंकि बड़े कल से 2,500 ट्वीट्स हो चुके हैं ना, 12 रन बना के गए वो कितनी बॉलों में भी, शर्म की बात है, स्ट्राइक रेट देखें। और अच्छा इनके बारे में एक अंदर की खबर ये भी आई थी कि इनकी तवज्जो नहीं है क्रिकेट पे, अभी लीग्स तो लगातार खेल रहे हैं, इनकी तवज्जो नहीं है और ये खेलना नहीं चाहते उन्होंने कराची किंग्स, और इसका बम मैनेजमेंट पर नजर भी आया कल।